हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, सेमेस्टर टू। सो लेट्स स्टार्ट। एंड टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन द पार्क। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इन द पार्क यानी कि पार्क के अंदर क्या क्या है वो आज हम सब देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या दिख रहा है, गार्डनर यानी कि जो गार्डन में सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको जो पानी देते हैं उन्हें कहते हैं गार्डनर। फिर ये है स्लाइड। स्लाइड तो आपको पता है ना, स्लाइड किसे कहते हैं। तो देखिए, इस स्लाइड पे जो चिल्ड्रन से वो खेल रहे हैं। फिर ये सैंडीप यानी कि ये मिट्टी। ये देखिए, ये कल है वो सैंडीप यानी कि मिट्टी से खेल रही है, उसका घर बना रही है। फिर ये देखिए, तो ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्किपिंग रोप, ये जो स्किपिंग रोप होती है उससे खेल रहे हैं। एंड ये है स्केट्स, ये बॉय है वो क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है और स्केट्स से खेल रहा है। फिर यहाँ पर है डॉग्स, ये सारे डॉग्स, फाउंटेन, बलून सेलर, बलून्स, फ्रिस्बी, काइट एंड स्विंग। ये स्विंग पता है ना, जो जिसे हम झूला बोलते हैं ना, जिसे हम झूला खेलते हैं उसे कहते हैं स्विंग। फिर है फुटबॉल। फिर है यहाँ पर कुल्फी सेलर। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। कोई ऐसे वॉक करने आता है, कोई बच्चे खेलते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत सारे सेलर भी होते हैं, जैसे बलून वाला होता है, कुल्फी सेलर होता है। और ये देखिए, ये क्या है, एक जो अंकल है वो चाट बेच रहे हैं, ये लड़का उसे चाट खरीद रहा है। यहाँ पर दादा दादी बैठे हैं, बेबी को खिला रहे हैं। यहाँ पर ये गर्ल स्क्विरल के साथ खेल रही है। इसी तरह से पार्क के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जब आप पार्क में जाते हो तो क्या क्या करते हो और कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, आपको क्या क्या दिखाई देता है, वो भी सब आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। हम कहीं भी जाते हैं पार्क में या कहीं पर भी, हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पेज नंबर 10 एंड टॉपिक इज डबल लेटर्स। लेटर्स रीड दिस वर्स विथ डबल लेटर्स। अब हम डबल लेटर्स वर्स सीखेंगे, उसको भी पहले हम फोनिक साउंड में देखेंगे। ओके, और कुछ फोनिक साउंड हमने कर लिए हैं और जो बाकी है वो अब हम आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है बी, तो बी का फोनिक साउंड क्या आएगा, ब। यहाँ पर डबल ओ है, अगर एक ओ होता तो उसका साउंड सिर्फ ओ होता, और यहाँ पर डबल ओ है तो इसका साउंड होगा ओ। क्या साउंड होगा इसका, उ। फिर के का साउंड आएगा क, ब उ क, तो क्या हुआ, बुक। ओके, इसका साउंड क्या हुआ, बुक। अगर डबल ओ है तो इसका साउंड आएगा ओ, तो यहाँ पर एम है, एम का साउंड आएगा उ, मून। फिर व का साउंड आएगा व, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का साउंड आएगा व। फिर यहाँ पर भी डबल ओ है तो इसका साउंड आएगा उ। फिर ल, ल का ल, व उ ल, वुल। फिर पी, पी का साउंड आएगा प, डबल ओ, उसका साउंड आएगा उ, ल, एल, एल का साउंड आएगा ल, प उ ल, पुल। इसी तरह से यहाँ पर डबल ई है तो डबल ई का भी साउंड आएगा ई, क्या आएगा, ई। बी, बी का साउंड ब, ई, बी। टी का ट, आर का र, डबल ई का ई, ट्री। फिर एस एच है तो एस एच को हम साथ में पढ़ेंगे, श, क्या पढ़ेंगे हम, एस एच को पढ़ेंगे श। फिर डबल ई तो इसको पढ़ेंगे ई, पी, पी का साउंड आएगा प, श, ई, प, शिप। फिर एफ, एफ का साउंड आएगा फ, डबल ई तो डबल ई को हम पढ़ेंगे ई, टी का ट, ई, ट, फीट। कैसे पढ़ेंगे, बुक, मून, वूल, पुल, बी, ट्री, शीप एंड फिट। तो इसी तरह से ये लेटर्स को हमें ओनली रीड करना है। ओके,
फिर नेक्स्ट है मेक वर्ड्स एंड राइट देम ऑन द ब्लैंक्स. यहाँ पर वन वर्ड वर्ड दिया हुआ है टी सी पी, फिर यहाँ पर दिया हुआ है डबल ओ एंड एल. तो देखिए यहाँ पर टी, हमें कैसे वर्ड्स बनाना है, पहले टी है तो हमने टी लिखा, फिर डबल ओ लिखा, फिर एल, तो एल लिख दिया तो क्या बन गया ट ओ ल टूल. इसी तरह आप सी के साथ इन अक्षर को ज्वाइन करके इसका वर्ड बनाना है. तो हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सी, फिर ये डबल ओ एल लिख देंगे डबल ओ एल, तो क्या बन गया कूल. फिर पी के साथ भी इस तरह करेंगे, पहले लिखेंगे पी फिर डबल ओ एल पुल. आपको समझ में आ रहा है ना ये किस तरह से करना है, चलिए एक और बता देती हूँ. ये है पहले है एफ, हमने लिख दिया एफ, फिर कौन सी वर्ड इसके साथ ज्वाइन करनी है डबल ई टी, तो कैसे करेंगे डबल ई टी ई ट फिट. फिर एम के साथ तो पहले लिखा एम, फिर ये वापस से वर्ड्स लिख देंगे डबल ई टी, तो बना मीट. अभी एक का आपको खुद से राइट लिखना है और उसको देखना है कि ये वर्ड्स कैसे बनते हैं. ओके, फिर यहाँ पर है सम वर्ड्स हैव द साउंड, जैसे मैंने आपको बताया ना अगर एस एच साथ में हो तो उसका साउंड होगा श. ओके, तो देखिए यहाँ पर एस एच साथ में है तो इसको साउंड होगा श. आई का आएगा ए आर कर टी का ट शर्ट. फिर वापस यहाँ पर एस एच है तो इसका साउंड आएगा श. आई का ई पी का प शिप. डी डी का ड आई का ई एस एच का आया श डिश. फिर बी बी का ब आर का अर यू का अ एस एच आएगा श ब्रश. तो ये क्या बना शर्ट शेप डिश एंड ब्रश. सम वर्ड्स हैव द च साउंड, जैसे कि अगर सी एच साउथ में होगा तो इसका साउंड बनेगा च, जैसे यहाँ एस एच साथ में होने से उसका साउंड श बना, वैसे ही सी एच साथ में होने से उसका साउंड च बनेगा. च आई का ई सी के, सी के का साउंड बनेगा क, जहाँ पर भी सी और के साथ में होगा तो उसका साउंड आएगा क. चिक, फिर वापस यहाँ पर सी एच ए तो बना च. ए का ए आई का ए चेयर. डब्ल्यू का व ए का ए टी का ट सी एच का च तो बना वॉच. फिर बी बी का ब ई का ए और ए का ए सी एच का च बीच. तो क्या हुए चिक चेयर वॉच एंड बीच. तो ये सारे वर्ड्स को हमें सिर्फ ओरली लर्न करना है और देखना है कि कौन से वर्ड का साउंड कैसे निकलता है. से दिस वर्ड्स अलाउड, यहाँ पर डबल ओ के जो वर्ड्स है वो रीड करने हैं. ये सारे डबल ई एस एच सी एच, ओ का क्या बनेगा ऊ, डबल ई का ई एस एच का श सी एच का च, तो उसके साथ जो वर्ड्स है हम उसको रीड करना है. ब उ ट बूट र उ ट रूट न उ न नून. ज इ प जीप. व इ क वीक. ह इ ल हील. एस ए श ओ व शो. श ओ प शोप. श एट शेड. च इ न चीन. च ए न चैन. च ए क चौक. बूट रूट नून जीप वीक हील शो शॉप शेड चिन चैन एंड चौक. तो इस तरह से ये वर्ड्स को हमें ओरली लर्न करना है. सो स्टूडेंट्स, अभी जो ये हम जितने सारे एक्टिविटीज़ की हैं ये सब आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है. ओके, थैंक यू.